नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। वैसे तो गुंडों द्वारा ट्रक को तेज रफ्तार में दौड़ाकर गाड़ी को टक्कर मारकर घसीटने के सीन फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन अब असल जिंदगी में भी ऐसे सीन आप लाइव देख सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में एक ट्रक ड्राइवर ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। यही नहीं, टक्कर मारने से भी जब मन ना भरा तो ड्राइवर ने लगभग 500 मीटर तक जिलाध्यक्ष की कार को सड़क पर ही घसीट डाला। यह वारदात तब हुई जब जिलाध्यक्ष करहल चौराहे से होते हुए अपने आवास को जा रहे थे। गनीमत रही कि जिलाध्यक्ष को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इधर SP मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने बताया कि आरोपित ड्राइवर को इटावा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के संदर्भ में गहन जांच चल रही है, जल्द ही पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। कार को टक्कर मारना एक भूल तो हो सकती है, लेकिन टक्कर मारकर 500 मीटर तक इतना घसीटना कि सड़क से चिंगारी निकल जाए, यह साफ साफ पूर्व नियोजित रणनीति के तहत हत्या की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। और यह भी हो सकता है कि सपा ने ही योजनाबद्ध कर भाजपा को बदनाम करने की साजिश रची हो। हालांकि अभी जांच जारी है और ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ चल रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अध्यक्ष तो विपक्षी पार्टी सपा का है और सत्ता में भाजपा है? इधर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर खूब कटाक्ष किया है। कहा है कि अब भाजपाई कहेंगे कि हमारे विधायक जी गड्ढे में नहीं गिरे, बल्कि गड्ढे का गहन अध्ययन करने के लिए उसमें उतरे हुए थे। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट के साथ घटना से जुड़ी खबर और सड़क पर मौजूद गड्ढों की तस्वीर भी साझा की है।